हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बनाएंगे मिल्क पाउडर वाली कुल्फी, जो खाने में इतनी टेस्टी है कि मार्केट वाली तो कुल्फी खाना ही भूल जाओगे। तो चलिए इस कुल्फी को बनाना शुरू करते हैं। कुल्फी बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक कढ़ाई ले ली है। इसमें डालेंगे हम 1 लीटर दूध। दूध जो भी आपके घर में उपलब्ध हो वो आप यूज कर सकते हो। दूध को हमें गर्म करना है। दूध पहले से ही गर्म था तो इसे हमें थोड़ा सा ही गर्म करना है। और इसके बाद डालेंगे यहाँ पे हम 1 कप मिल्क पाउडर, जो मार्केट में आसानी से मिल जाता है। और अब इसे हम दूध में पकाएंगे और इसे हिलाते रहेंगे। और ये देखिए, दूध और मिल्क पाउडर अच्छे से मिक्स हो गया है। अगर इसमें कोई गुठली भी है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम इसको मिक्सी के जार में पीसेंगे। अब डालेंगे इसमें 1/2 चम्मच इलायची पाउडर। इलायची पाउडर को दूध में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे थोड़ी सी देर पकाएंगे। तो दूध गर्म हो रहा है, पक रहा है, तब तक यहाँ पे बनाएंगे हम चीनी की कैरेमल। तो यहाँ पे एक पैन ले लिया है, इसमें डालेंगे हम चीनी। तो यहाँ पे हमने 1 कप चीनी ली है। अब चीनी जब तक मेल्ट ना हो जाए तब तक हम चम्मच नहीं लगाएंगे, और तब ये हल्की सी मेल्ट हो जाए तो इसे हिलाते हुए इसे पूरी तरीके से मेल्ट करेंगे। और इसे हमें ज़्यादा पकाना नहीं है, नहीं तो ये कड़वी हो जाएगी। और ये देखिए, थोड़ी ही देर में ये चीनी मेल्ट हो जाती है। अब इसे हम डालेंगे दूध में, तो थोड़ा थोड़ा करके ही डालेंगे। इस तरीके से कुल्फी का टेस्ट बहुत ही बढ़ चढ़ कर आता है और इसका कलर तो बहुत ही बढ़िया आएगा। एकदम मार्केट जैसी जो कुल्फी होती है, बस उसी तरीके से ये कुल्फी घर पर ही बनकर तैयार हो जाती हैं। तो सारे कैरेमल को हमने इसी में डाल दिया है और इसे अच्छे से मिक्स करते रहेंगे ताकि इसमें कोई भी गुठलियाँ ना पड़े। अब इस दूध के घोल को हमें थोड़ा सा और गाढ़ा करना है। तो इसके लिए यहाँ पे हमने एक कटोरी ले ली है। इसमें डालेंगे हम 2 बड़े चम्मच पानी, और पानी में 1 चम्मच डालेंगे कॉर्नफ्लोर। इसे मिक्स कर लेंगे। अब इस घोल को हम डालेंगे कढ़ाई में और इसे पकाते रहेंगे। कॉर्नफ्लोर डालने से इसका जो गाढ़ापन है वो जल्दी ही आ जाता है। तो इसे हम 3 से 4 मिनट तक लो फ्लेम में पकाएंगे और थोड़ी ही देर में ये घोल गाढ़ा होने लगता है। तो ये देखिए, थोड़ी ही देर में ये घोल गाढ़ा हो रहा है। तो 1 से 1.5 मिनट हम और पकाएंगे, फिर इसको ठंडा होने देंगे। तो ये देखिए, हमने इसे गैस से उतार लिया है, और जैसे ही ये ठंडा हो जाए इसको डालेंगे हम मिक्सी के जार में और इसे पीस लेंगे। अब इसको डालेंगे हम डिस्पोजल कप के अंदर। अगर आपके पास कुल्फी का मोल्ड हो तो उसमें भी आप डालकर कुल्फी जमा सकते हो। तो ये देखिए, इस तरीके से हमने डिस्पोजल कप ले लिए हैं। इसमें डालेंगे हम दूध वाले घोल को और इसे अच्छे से पैक कर लेंगे। अगर प्लास्टिक की थैली हो तो उसको भी आप पैक कर सकते हो। बटर पेपर या फॉइल पेपर किसी से भी ऊपर से पैक कर लीजिए। अब इसे हम ग्लास में भी डालेंगे, इसे भी अच्छे से पैक कर लेंगे और इसके अंदर एक लकड़ी की स्टिक डाल देंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो इस तरीके से हमने सारे दूध के घोल को इसी में डाल दिया है और फ्रिज में 8 से 10 घंटे के लिए इसे सेट होने के लिए रख देंगे। और ये देखिए, 8 से 10 घंटे में ये कुल्फी बहुत ही बढ़िया सेट हो जाती हैं। अगर कुल्फी 8 से 10 घंटे में सेट नहीं हो रही हैं तो आप उसे घंटे 2 घंटे और सेट होने के लिए रख दीजिए। तो ये देखिए, इस तरीके से हमने कुल्फी बना ली हैं। दूसरी भी हम इसी तरीके से निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, मेरा डेली वीडियो नहीं आ पा रहा है, तो आप जो भी मेरा वीडियो आए उसे पूरी तरीके से देखें और मुझे सपोर्ट करें। और ये देखें, इस तरीके से हमने इसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स लगा लिए हैं। एकदम मार्केट से भी ज़्यादा ये कुल्फी टेस्टी बनकर तैयार होती हैं। यकीन मानिए फ्रेंड्स, एक बार आप इस तरीके से कुल्फी ज़रूर ट्राई कीजिए। ये कुल्फी मार्केट से भी ज़्यादा टेस्टी बनी है। बच्चे तो क्या, बड़े भी आपकी तारीफ़ करते हुए नहीं थकेंगे। अब कुल्फी को भी हम गिलास से निकाल लेंगे और इस तरीके से इसे गोल शेप में कट कर लेंगे। थोड़ी सी ज़्यादा देर इसे बाहर रखने से ये कुल्फी मेल्ट हो गई है। तो फ्रेंड्स, एक बार आप भी मिल्क पाउडर की कुल्फी ट्राई ज़रूर कीजिए।